के भाई का कहना है स्क्रब ऑफिशियल नहीं तो ईद ही नहीं है, ठीक है। तो बंडल ऑफ बेस्ट विशेज, अल्लाह करे आपका स्क्रब हो जाए, आपका ऑफिशियल हो जाए, आपकी ईद हो जाए। आपको टीवी के साथ आपका होस्ट सप्तान जाफरी, आपके पेशे हिदमत है। चूंकि ईद की आमद आमद है, पूरी दुनिया की तरह सियालकोट में भी ईद की तैयारियां जोशो खरोश के साथ चल रही हैं। अभी बाजार का अगर रुख करें तो वहां पर हवातीन को किसी को बुतीक, किसी को जूते, किसी के कपड़े की पड़ी है। और जहां तक बात करें मर्द भी किसी से कम नहीं है। अभी सियालकोट में एक सैलून संगम रॉयल सैलून पे हम लोग मौजूद हैं, जिसके ऑनर है हैदर भाई और अलियास भाई। सो यहां पर भी मर्दों की काफ़ी तादाद मौजूद है और वो फेशियल के लिए और हद के लिए और कटिंग के लिए मौजूद हैं। भाई सलून वालों के पास टाइम नहीं है और वो कहते हैं जी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट दी हुई है, 12 बजे एक कस्टमर आएगा, 2 बजे एक कस्टमर आएगा, ये नायाब है आज के दिन के लिए। सो इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ऑफर चल रही हैं ईद की और आप अपने कस्टमर को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। सजना सवरना लड़कियों का काम है, लेकिन आजकल लड़के भी किसी से कम नहीं है। फेशियल स्क्रब और कटिंग और शेव करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास एक भाई मौजूद हैं, ये भी माशाल्लाह काम करवाने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने क्या करवाना है ये सैलून? यहाँ पे कटिंग करवानी है और उसके साथ फेशियल करवाना है और हाथ भी करवाना है इसके साथ। फेशियल करवाना जरूरी है, ये तो लड़कियों का काम नहीं चल जाता है, ईद का दिन है तो इसलिए लड़कियाँ फेशियल करवाती हैं, टाइम लेती हैं, तो आजकल आपने भी स्टार्ट कर दी? हाँ अभी आजकल सारा चल रहा है, लड़के लड़कियाँ दोनों करवा रहे हैं। तो आपको टाइम मिल गया आज के दिन? आज के दिन टाइम निकालना पड़ता, चांद रहा था फिर। हम तो इनसे तकरीबन 15-16 साल से इन्हीं के साथ ही चल रहे हैं और ये है कि आज तो ये पकड़ा ही नहीं दे रहे और टाइम ही लेना पड़ रहा है। 2 बज चुके हैं और अभी भी बारी नहीं आई। स्क्रब जरूरी है यानी कि? हाँ सर। स्क्रब तो जी ये भाई का कहना है स्क्रब ऑफिशियल नहीं तो ईद ही नहीं है, ठीक है। तो बंडल ऑफ बेस्ट विशेज, अल्लाह करे आपका स्क्रब हो जाए, आपका ऑफिशियल हो जाए, आपकी ईद हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं ना प्रदेश में जो लोग हैं वो वापस आ जाए तो ईद हो जाती है, ये भाई का कहना है स्क्रब ऑफिशियल नहीं है तो ईद ही नहीं। चार घंटे से इनका वेट कर रहा हूँ, मुझसे पहले के भी कस्टमर थे यहाँ पे। और क्या करवाना है आपने, क्या करवाना है? कटिंग करवानी है, बीट का स्टाइल है ठीक है वो बनवाना है और साथ में फेशियल करवानी है। जारी बात है चार घंटे मैंने वेट किया तो मैं प्रॉपर काम करवा के जाऊंगा। फेशियल के बाद क्या होगा मतलब? फेशियल के बाद फिर घर जाऊंगा, बात लूंगा। नहीं फेशियल करवाने से क्या होगा मुझे ये बताएं आप। फेशियल करवाने से ये है कि मेरी जो ये स्किन है ये थोड़ी सी नीट। लड़कियों का काम है ये तो फेशियल? लड़कियों का क्यों, लड़के भी करवाते हैं मेरी जान। मतलब उसके बाद अपर लिप्स भी करवाएंगे? नहीं वो क्यों करवाऊंगा।